और अब जरा कार मार्केट की हलचल भी आपको बता दें। दिसंबर खत्म होने को है और नए साल से पहले कार कंपनीज ने खरीदारों के लिए बंपर छूट का ऐलान कर दिया है। दरअसल 2021 के मॉडल्स का स्टॉक खत्म करने के लिए ज्यादातर कार कंपनियों ने दिसंबर में ग्राहकों को कार पर मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया है। एक्सचेंज बोनस से लेकर कैश छूट तक कार कंपनियां ग्राहकों को बढ़ा यहां पर फायदा पहुंचा रही हैं और बड़ा फायदा पहुंचाने का दम भर रही हैं। देखिए आप, साल 2021 को खत्म होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में कार कंपनियां अपना 2021 का स्टॉक निकालने के लिए लोगों को ज्यादा डिस्काउंट्स देकर लुभा रही हैं। यानी कार खरीदने वालों को अगर 2022 मॉडल की चाहत नहीं है और वो 2021 मॉडल से काम चला सकते हैं, तो फिर उन्हें 31 दिसंबर तक कार खरीदने पर अच्छा खासा फायदा हो सकता है। दिसंबर के महीने में मारुति अपनी कारों पर 45,000 रुपए तक की छूट दे रही है, जबकि हुंडई ने 50,000 रुपए तक का फायदा अपने ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। वहीं टाटा की कारों को खरीदने वालों को 40,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों को अपने गैराज की शान बनाने के लिए 65,000 रुपए तक का फायदा इस महीने के बाकी बचे दिनों में मिल सकता है। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए रेनो के शोरूम जाने में फायदा है, जहां पर 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा होंडा, निसान, डैटसन, स्कोडा जैसी सभी कंपनियां अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे कई ऑफर्स शामिल हैं। दरअसल दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, इसके बाद नया साल शुरू हो जाता है। साल खत्म होने के साथ ही कार का प्रोडक्शन ईयर भी बदल जाता है, यानी जिस कार का प्रोडक्शन 2021 में हुआ है, साल बदलने से उसका मॉडल साल भर पुराना हो जाएगा। अब जो ग्राहक जनवरी 2022 में कार खरीदते हैं, वो दिसंबर 2021 में प्रोडक्शन वाली कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उनकी आरसी पर साल भर पुराना मॉडल माना जाएगा। इसी वजह से ज्यादातर कंपनियां दिसंबर में कुछ समय के लिए कार का प्रोडक्शन भी बंद कर देती हैं। साथ ही पुरानी कारों के स्टॉक को निकालने के लिए दिसंबर में सबसे ज्यादा छूट भी देती हैं। लेकिन जिस तरह से देश में सेमीकंडक्टर संकट की वजह से कारों का उत्पादन घटा है, उसके चलते ये डिस्काउंट केवल उन्हीं कारों पर मिल पाएंगे जिनकी डिमांड कम है और वो स्टॉक में मौजूद हैं। इसके अलावा दिसंबर में कार खरीदने वालों को जनवरी की महंगाई से भी बचने का मौका मिलेगा। ज्यादातर कार कंपनियों ने 1 जनवरी 2022 से कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। स्काइप पे चर्चा में